और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आनंद किशोर बने प्रधान सचिव वित्त विभाग के, लोकेश कुमार सिंह बने सचिव ग्रामीण विकास विभाग। लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। अभय कुमार सिंह सचिव नगर विकास आवास विभाग के बनाए गए हैं और अभय सिंह को निदेशक पटना मेट्रो निगम लिमिटेड का भी प्रभार मिला है। तो बहुत बड़ी खबर और बहुत सारी जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। नगर विकास आवास अलग अलग अधिकारियों को सौंपे गए हैं। हर विभाग को लेकर अलग अधिकारी को जिम्मेदारियां दी गई है। आनंद किशोर की बात करें तो वो प्रधान सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अभय सिंह को निदेशक पटना मेट्रो निगम लिमिटेड का प्रभार दिया गया है। तो अभय सिंह पटना मेट्रो निगम लिमिटेड के प्रभार बनाए गए, नगर विकास आवास के सचिव बनाए गए। तो कई आईएएस का तबादला किया गया है, कई अधिकारियों का तबादला किया गया है और सभी को नई नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और इसी बीच बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सालिमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पटना और गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मंकी पॉक्स को लेकर पटना सिटी के अगम कुआ के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और अस्पताल प्रशासन ने स्किन विभाग में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व कर दिए हैं। 5 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए और 5 बेड कन्फर्म मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर स्किन विभाग के विभागाध्यक्ष को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। हालांकि अभी तक अस्पताल में मंकी पॉक्स से पीड़ित एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। तो कोई मंकी पॉक्स का केस नहीं आया है, लेकिन इसके संभावित आउटब्रेक के चलते हम लोगों ने 10 बेड सुरक्षित किया है जो स्किन डिपार्टमेंट में होगा। और इसके नोडल अफसर जो है, जो स्किन के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो होंगे और सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग और उसकी इलाज के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर। और बिहार के सियासत से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों यात्रा वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 10 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं।